फ्रेंड्स, आरतीस पंजाबी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ स्टफ ब्रेड पकौड़ा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और साथ में भी ये बेल बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू। ये फ्रेंड्स, तो बनाते हैं आज स्टफ ब्रेड पकोड़ा, जिसके लिए मैंने बेसन एक बाउल लिया है और 3 से 4 मैंने मीडियम पोटैटोस जो पहले से बॉईल करके रखे हैं और कुछ ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं और नमक स्वाद के अनुसार लेंगे। आधा चम्मच मैंने रेड चिल्ली पेपर लिया है और आधा चम्मच मैंने चाट मसाला, आधा चम्मच धनिया पाउडर और कुछ धनिया की पत्ती और आधा आधा चम्मच मैंने जीरा और अजवाइन ली है। आइए तो सबसे पहले पोटैटो की फिलिंग तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले आलू एक बॉयल में डाल लेंगे। इसमें हम नमक अपने स्वाद के अनुसार लेंगे। नमक आप अपने हिसाब से रखिए ताकि बाद में बेसन में भी हम नमक डालेंगे। और ये आधा चम्मच मैंने चाट मसाला लिया है वो डाल देंगे। लाल मिर्च पाउडर, ये आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकती हैं। और आधा चम्मच ये मैंने धनिया पाउडर लिया है ये डाल देंगे। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से और ये कुछ धनिया पत्ती वो डाल देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये फिलिंग हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। ब्रेड स्लाइसेस लेंगे और जो फिलिंग है इसके ऊपर लगाएंगे। अच्छे से कवर करते हैं और दूसरा बीच हम इसके ऊपर ऐसे रख के प्रेस कर देंगे। ऐसे ही हम बाकी के पीसेस भी तैयार कर लेंगे और इनको ऐसे सेंटर में से कट कर देंगे। अब हम बेसन का घोल तैयार कर लेते हैं। मैंने एक बाउल जो बेसन लिया था वो हम एक कटोरे में डाल लेंगे और इसमें जो बाकी का सॉल्ट बचा था वो डाल देंगे। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें और जो रेड चिली थी बाकी की वो भी डाल देंगे। और इसमें हम थोड़ी सी जीरा और अजवाइन जो मैंने लिया था आधा आधा चम्मच वो डाल देंगे। अब इसको पानी डाल के मिक्स करेंगे। पानी हम धीरे धीरे डालेंगे और इसको रनिंग कंसिस्टेंसी में बना लेंगे और बिल्कुल भी लम्स नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्मूथ बैटर तैयार कर लें। अब हमारा बैटर बिल्कुल रेडी हो चुका है। बिल्कुल 1 कप पूरा का पूरा मैंने पानी डाल दिया था इसमें और ये स्मूथ बैटर उसके साथ रेडी हो गया है। और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, फ्लोइंग कंसिस्टेंसी है, बिल्कुल एकदम बैक ऑफ द स्पून भी देखेंगे तो बिल्कुल इसके ऊपर टच कर रहा है। अब हमारे पीसेस जो हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। इसको हम बेसन में डिप करके और ऑयल में डाल देंगे। ऑयल मैंने पहले से हीट करने के लिए रख दिया है। अब हम इसको ऐसे डिप करके अच्छे से बेसन में आगे पीछे से और इसको कढ़ाई में धीरे से छोड़ देंगे। इनको अब हम गोल्डन फ्राई होने तक फ्राई करेंगे। जब तक ये गोल्डन नहीं होते बीच बीच में इसको फ्लिप करते रहें। अब हम ब्रेड पकौड़े को टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे ताकि जो एक्सेस ऑयल है इनका वो टिश्यू पेपर में ही अब्सॉर्ब हो जाए। देखिए कितना अच्छा कलर आया है और बिल्कुल अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। ये हमारे स्टफ ब्रेड पकौड़ा बिल्कुल रेडी हैं। अब हम इनको सर्व करते हैं।